आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फेस्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। एक ही रात में पुलिस ने गोकशों का पूरा गैंग पकड़ा। बुलंदशहर से बड़ी खबर, दो कारों में सवार गोकशों के गिरोह से पुलिस की मुठभेड़। ककोड़ में शिव रले कार सवार चार गोकशों को लगी पुलिस की गोली। ककोड़ पुलिस को चकमा देकर भाग्य स्विफ्ट डिजायर सवार अन्य गोकश को चोला पुलिस ने घेरा। चोला में शातिर कृष्णा व इरशाद पुलिस की गोली लगने से हुए घायल। दोनों मुठभेड़ों में पुलिस ने गिरोह के सरगना यामीन समेत कुल 9 गोकश किए गिरफ्तार। गिरोह में मेरठ व गाजियाबाद निवासी, अधिकतर बदमाश ककोड़ वैन में रहता है। सरगना गिरोह ने 22 और 23 मार्च की रात ककोड़ क्षेत्र में की थी गोकशी की वारदात। आरोपियों से 7 तमंचे, 8 जिंदा व 6 खोखा कारतूस, छुरी, दो कार व गोकशी के औजार बरामद। देर रात ककोड़ व सुबह चोला पुलिस की गोकशी हुई मुठभेड़। बुलंदशहर से इकराम खान की देखिए खास रिपोर्ट। आज सुबह जनपद बुलंदशहर में थाना चोला क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट व्हाइट कलर की कार जो ट्रेस हुई थी उसमें उसको रुकने का इशारा किया गया। उसमें बैठे हुए बदमाशों ने पुलिस की चेकिंग पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस की जवाबी फायरिंग में इसमें बैठे हुए दो बदमाश घायल हुए हैं, जिनका कृष्णा गोस्वामी और एक इरशाद नामक बदमाश के रूप में ट्रेस हुआ है। इनके ऊपर करीब आधा दर्जन मुकदमे हैं जो गोकशी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनके पास से दो तमंचे, कुछ कारतूस और पशुओं को काटने के औजार, रस्सा वगैरह बरामद हुए हैं। दो और व्यक्ति इस गाड़ी में बैठे हुए उनको भी अरेस्ट किया गया है, सुहेल और जावेद, जो इन्हीं के गैंग के मेंबर हैं। इसमें अवगत कराना है कि कल रात में भी एक एनकाउंटर हुआ था थाना ककोड़ क्षेत्र में, जिसमें 22-23 मार्च की रात में ककोड़ क्षेत्र में जो गोवंश के अवशेष मिले थे उसमें शामिल करीब 4 बदमाश घायल हुए थे और कुछ को गिरफ्तार किया गया था। उन्हीं के साथ ये बदमाश घायल जो अभी घायल हुए हैं ये उन्हीं के साथ के उन्हीं के गैंग के मेंबर हैं। इस तरह से कुल दोनों थानों की टीमों के द्वारा कुल 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। इनके कुछ और साथी हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है और भारी मात्रा में इनके पास से असलहे, कारतूस और जो पशुओं को काटने के औजार हैं वो बरामद किए गए हैं। जो अग्रिम विधिक कार्यवाही है वो थाना चोला के द्वारा संपन्न की जा रही है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।